हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? होप सो आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज जो आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, वो वीडियो एक चमत्कारी हनुमान जी की वीडियो है। आपने दोस्तों हनुमान जी के बहुत से स्वरूप देखे होंगे, लेकिन शायद इस स्वरूप के बारे में कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं होगी। दोस्तों, ये चमत्कारी हनुमान जी एक डॉक्टर के भेष में हैं। इन्हें डॉक्टर हनुमान जी भी कहा जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भिंड से 70 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थित है। इसे ददरोआ सरकार धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हनुमान जी का एक चमत्कारी मंदिर है, जहाँ पे हनुमान जी नाचती हुई अवस्था में हैं। सिर्फ एक हनुमान जी के आपने काफ़ी स्वरूप देखे हैं, लेकिन एक यही ऐसा स्वरूप है जिसमें हनुमान जी आपको नाचते हुए डॉक्टर के स्वरूप में दिखाई देंगे। दोस्तों, ये 300 साल पहले नीम के पेड़ के नीचे ये मूर्ति दबी हुई थी। जब नीम के पेड़ को काटा गया तो नीचे से ये मूर्ति निकली और यहाँ पे स्थापित की गई। दोस्तों, ये चमत्कारी हनुमान जी इसलिए कहा जाता है, इन्हें डॉक्टर हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। भिंड से 70 किलोमीटर की दूरी पर ददरोला सरकार गांव के नाम से, ये धाम के नाम से जगह है। यहाँ पे मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ में, काफ़ी जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है शारीरिक, वो आते हैं। इन्हें डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कैंसर, फुंसी, फोड़े, अल्सर, काफ़ी बीमारियों का इलाज किया जाता है। कहते हैं कि यहाँ पे परिक्रमा, 5 परिक्रमा लगाने से कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। और यहाँ पे विभूति का प्रसाद मिलता है, जो यहाँ हवन होता है मंगल शनिवार, यहाँ विभूति का प्रसाद मिलता है, उसको सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पे हर मंगलवार शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है। ये चमत्कारी हनुमान जी, यहाँ पे एक साधु बाबा थे जो कि जिन्हें कैंसर था, उनको एक दिन सपने में हनुमान जी आए और हनुमान जी ने डॉक्टर का एप्रन पहना हुआ था और इस गले में स्टेथोस्कोप टांगा हुआ था। तो और आए और उस बाबा, साधु बाबा का इलाज किया और उसके बाद से वो साधु बाबा का कैंसर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो दोस्तों, इसीलिए इसे चमत्कारी डॉक्टर हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे हर मंगलवार शनिवार को काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। और 5 सितंबर के दिन यहाँ एक मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 5 परिक्रमा लगाने से, मंगलवार शनिवार को 5 परिक्रमा लगाने से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है, कैंसर जैसी बीमारी भी दूर हो जाती है। यहाँ पे विभूति का प्रसाद मिलता है, उसका भी सेवन करने से काफ़ी बीमारी दूर हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी मेरी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर करें। ये वीडियो को शेयर भी करें। चमत्कारी हनुमान जी, डॉक्टर हनुमान के नाम से ये जगह जाने जाती है। भिंड जिले से 70 किलोमीटर दूर ददरोआ सरकार धाम के नाम से इस जगह को जाना जाता है। तो जिनको भी कोई प्रॉब्लम है कैंसर जैसी या किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम में, एक बार यहाँ पर दर्शन करके आएँ, एक बार यहाँ पर जाएँ और ज़रूरतमंद लोगों को आप शेयर करें। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, ना इस वीडियो को लाइक करने में, और कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों, जल्दी आपके पास एक नई वीडियो लेके आऊँगा।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम, जय बजरंग बली, बाय बाय। दोस्तों, आपके अगर वीडियो शेयर करने से किसी का भला होता हो तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। धन्यवाद, बाय बाय।